वाव क्या लग रहा है ना, पूरा का पूरा डैम यहाँ से दिख रहा है। मछली पकड़ रहे हैं भैया जी, पानी पार करके जा रहे हैं इसको, इतना ज़्यादा पानी। और ये तो कम हो गया है अभी, इससे और ज़्यादा पानी बह रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो गाइस, आप लोगों ने तो ट्रेलर देख ही लिया है, तो इस जगह पे आप लोग कैसे जा सकते हो और कौन सी जगह है और कौन से गांव में है और कौन सी जिले पे है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखलाएंगे भी और साथ में बताएंगे भी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कोंडा गाँव से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर ये डैम है। कोंडा गाँव पोस्ट ऑफिस से लेफ्ट जाना है आप लोगों को बड़े कनेरा रोड के लिए। तो गाइस, इधर न्यू वाला बस स्टेशन बनने वाला है कोंडा गांव का। इधर से देखो, इधर से मस्त बन रहा है, देखो अच्छा लगेगा जब बनेगा तो। इसका भी वीडियो मिल जाएगा, बन जाएगा तो। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. ये है बड़े कनेरा का मार्केट एरिया, जो कब लगता है मार्केट ये नहीं मालूम, लेकिन ये जो है रोड के साइड पे ही है और कितना अच्छा मार्केट लगता होगा जो देख के लग रहा है। तो गाइस, ये यहाँ का पुल है और पुल की ऊंचाई काफ़ी अच्छा है, लेकिन गाइस इधर देखिए पानी कैसा आ रहा है, मतलब बहुत ही कम आ रहा है, लेकिन जब बारिश हो गई थी, मतलब बहुत ही तेज़ बारिश, तो आसपास भर गया था पूरा, देख सकते हैं इधर, और इधर का पूरा खेत वगैरह डूब गए थे। ये जो नदी है ना, ये वहीं पर जाता है, इधर के जितने भी पानी है जिस बांध में हम लोग जा रहे हैं उसी बांध में पानी सब जाता है, नाला से भी इधर पानी जाता है, और बेकॉस इधर पानी बह भी नहीं रहा है क्योंकि पूरा पानी भर गया है। देख सकते हैं गाइस, इधर तक पानी पहुँच गया है, पानी टैंकर बन रहा है बहुत बड़ा। और यहाँ पर ग्राम पंचायत कमेला आपका हार्दिक स्वागत करता है। पता नहीं है कोई फंक्शन होने वाला है गाइस, और काम में लग चुके हैं, और इधर देखो यही फंक्शन होने वाला है, कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोगों को थोड़ा सा कच्ची रोड का सामना करना पड़ेगा, और मेरे को भी कच्ची रोड का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा कच्ची रोड है। तो ये पुल है और इधर भी पूरा पानी भर गया है, और इधर भी, मतलब समझ रहे हो, इधर पानी बह ही नहीं रहा है। और गाइस देख सकते हो, मंदिर भी पानी में डूब गया है उधर, और इधर खेत वगैरह है सब। इधर का रोड अलग ही लगेगा, मतलब कोंडा गांव जैसा नहीं लगता, कोंडा गांव में ऐसा इधर इलाका नहीं मिलता। और एक्चुअल में बता दूं, ये जो बांध है ना, ये बस्तर में अवेलेबल है, ना कि कोंडा गांव में। तो गाइस, यहाँ सामने से हमको राइट जाना है, यहाँ से हमको राइट जाना है, तो इधर जाना है। बैग इतना सारा गड़बड़ ला रहे हैं गाइस, ओ नो, अरे बाबा रे, जाने दो जाने। अक्षय नगर, जैसे हमारे साइड पारा वगैरह रहता है, ये इधर अक्षय नगर है, और सीधा ऊपर है गाइस पहाड़ी है, और पहाड़ी के ऊपर भी घर है। हर घर देखिए पूरा पत्थर से बनाया हुआ है, इधर ईंट वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है यहाँ, और यहाँ पर किया गया है, लेकिन उस घर को बनाने के लिए ना ईंट का इस्तेमाल ही नहीं किया है, टोटल पत्थर का। और इधर देखिए, इधर का जितना भी है ना पर्दा वगैरह ये सब पत्थर का ही है, मस्त लग रहा है, ईंट की ज़रूरत ही नहीं है। और इधर से देखिए डैम क्या लग रहा है, डैम। और इधर से जाने का रूट अभी बना है या नहीं, तो इधर का व्यू अलग ही लेवल है गाइस, मज़ा ही आ जाता है देख के। तो यहाँ से ये लोकेशन जो, ओ भाई साहब देखो, यहाँ से पूरा नीचे अब पूरा पानी भर गया है गाइस इधर। और इधर से और कहीं जाने का रास्ता है या नहीं नहीं पता, बट आई डोंट नो। लेकिन गाइस वाव क्या लग रहा है ना, पूरा का पूरा डैम यहाँ से दिख रहा है, बहुत बड़ा एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में पानी भरा हुआ है अभी। तो इधर से पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, मतलब जा नहीं रहा है ना ही आ रहा है। ये देखो यहाँ पर, इधर इधर से पानी बह रहा है, और पूरा मछली वगैरह पकड़ रहे हैं यहाँ पर। इधर देखो बाइक पार हो रहा है गाइस, और इधर से पार करते हुए हमें जाना है। चलो गाइस, हम भी इस पानी से पार होते हैं, मतलब इस जो पुल है, पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, अब हमें भी इस पुल के ऊपर से जाना है।
लग रहा है, लेकिन मतलब समझ रहे हो पूरा जूता ऊपर है। ओहो, धीरे भाई साहब, धीरे धीरे। उधर मछली पकड़ रहे हैं भैया जी, और इधर देखो स्कूल आने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओ भाई साहब, समझ रहे हो, स्कूल पार करने के लिए मतलब स्कूल आने के लिए पानी को पार करना पड़ता है मतलब। ओ भाई साहब, फर्स्ट गियर में पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है गाइस, और देख सकते हो। ओ नो, पूरा इंजन ना भीगे और ना ही साइलेंसर में घुस जाए पानी, या घुस गया तो पूरा गया। और देखिए भाई लोग मतलब पानी पार करके जा रहे हैं स्कूल, इतना ज़्यादा पानी। और ये तो कम हो गया अभी, इससे और ज़्यादा पानी बह रहा था। तो यहीं से राइट जाना है हमें। और तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस कोसा अड्डा बांध में, डैम बोल सकते हो। ये वही वाला लोकेशन है जिससे हमें आना था। तो ये है यहाँ का गार्डन, यहाँ पर एक गार्डन भी है। तो गाइस ये है यहाँ का कुछ इस तरह से अभी का व्यू। तो गाइस यहाँ का गार्डन जो है बंद है, और गाइस यहाँ पर माननीय श्री बलिराम कश्यप जी स्मृति उद्यान है। तो गाइस ये जो है बांध जो है बस्तर में आता है, और इधर से जा सकते हैं और इधर का व्यू भी ले सकते हैं, और सामने नाव भी है एक। और यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और हम जो नीचे से चले जाएंगे बाइक में, और जहाँ उधर है जहाँ पर गेट है जहाँ से पानी वगैरह निकलता है उधर जाएंगे, और यहाँ पर एक नाव भी है। तो चलो हम सीधा उधर चलते हैं बाइक लेके। चलो गाइस अब नीचे उतरते हैं, और बहुत ज़्यादा नीचे है गाइस, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ से जो है ऊपर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं भाई साहब क्या लग रहा है इधर से भी, नेक्स्ट लेवल व्यू है गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए, उस गेट पे पहुंच गए जहां पर हमें जाना है ऊपर, मतलब बंद तो नहीं है लेकिन हमें जाना है। इधर से भी बंद किए गए हैं गाइस, तो वहां पर कुछ मेंशन किया गया है बोर्ड्स वगैरह इस बांध के बारे में। यहां पर एक बड़ा सा लाइट लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट में है। तो ये जो है परगना कोंगेरा, इधर भी कोंगेरा है परगना कोंगेरा करके। तो ये है इधर से ऊपर डैम, तो चलो चलते हैं डैम के ऊपर और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा सीन मिलता है देखने को। एक्चुअल में गेट ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर सीधा। ओ भाई साहब, ये है यहाँ का डैम कोसार टड्डा डैम गाइस। और उस टाइम भी आए थे शायद अप्रोक्स दोना इतना ही पानी था, और अभी जो है पानी को बंद कर दिया गया है इधर से। तो कुछ इस तरह से यहाँ का कोसार टड्डा डैम है, विशाल एक तरह से कह सकते हैं विशाल डैम बस्तर ज़िले के लिए। और इधर से आप लोग टहलते हुए आ सकते हो जब भी यहाँ आना होगा तो। आई होप गाइस आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।